camera, action! आज के बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं लेखक और गीतकार विजय अकेला से फिल्मी गपशप। आज सुनिए इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। आपसे बातचीत की है जी श्याम ने। श्रोताओं नमस्कार। आज स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार हैं, एक ऐसे शायर हैं, एक ऐसे गीतकार हैं, एक आरजे हैं, और सबसे खास बात यह है कि जब हम ऋतिक रोशन की पहली फिल्म की बात करते हैं और जो उनका एक मूव था, डांसिंग मूव, और उसमें जो पीछे के बोल थे गाने के, उन्हें शब्द देने वाले गीतकार आज हमारे बीच हैं। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। फिल्मों से खास करके जो इनका एक संबंध है तो वो बड़ा ही अटूट है। मुझे मोहब्बत सी हो गई है, जाहिर है जब गीतकार से बात करते हैं तो हम शब्दों से बात करते हैं, आवाज से बात करते हैं, अनुभव से बात करते हैं, एहसास से बात करते हैं, और ऐसी बात करते हैं जो हमारे दिलों तक पहुंचती है। और अपने दिलों तक बात पहुंचाने में माहिर अगर कोई है तो विजय अकेला जी हैं, आज हमारे सामने हैं, स्टूडियोज में हैं, और मैं यहाँ पर विजय अकेला जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत शुक्रिया, प्रणाम, नमस्कार, हेलो, आदाब। जाहिर है कि जब आप साहित्य से जुड़ते हैं, शायरी से जुड़ते हैं, तो शायरों को काफ़ी पढ़ना भी पड़ता है, उनको समझना भी पड़ता है, उनके साथ साथ चलना पड़ता है, और उनके साथ चलते चलते फिर अपनी राह भी बनानी होती है जी। और उस बनी हुई राह पर फिर अकेले चलना होता है जी। तो इस तरह से कैसे कैसे आप अकेले चले, किन किन शायरों से आप मुतासिर हुए और किन की तरह बनना चाहते थे, अगर आप यादों में जाएं तो आप बताइए कि कैसे आपका पहला कदम था, और फिर बाद में जब वो आगे बढ़े आप तो आप इधर एक गीतकार के रूप में भी स्थापित हो गए। श्याम जी, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं ये कह सकूं कि आपने सवाल बहुत गहरा और बहुत अच्छा पूछा है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। देखिए, पढ़ना नहीं पड़ता है शायर बनने के लिए, एक मिजाज जरूर रखना पड़ता है शायरी वाला। ये गालिब हों के ये मीर हों के दाग हों के शकील हों के साहिर हों, ये फैज अहमद फैज हों ये इकबाल हों, कई इनमें से शायर कोर्स में भी प्रिस्क्राइब्ड हैं, वहां पे पढ़ना पड़ सकता है। जब मिर्जा गालिब साहब का तखल्लुस गालिब भी नहीं था, असद था, और जो शेर कहा था कि मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया, तो फिर इसको हमें दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन जो सुनने वाले हैं उनके लिए बताइए, शेर का मतलब भी बताइए। इसका मतलब तो यही है कि मजनू को पत्थर मार रहा था जमाना, तो लोगों को मारते देखा तो गालिब ने भी उठा लिया पत्थर। मैंने मजनू पे लड़कपन में असद गालिब संग उठाया था, पत्थर उठाया था मारने के लिए, उसको पीछे खींचा और अब मारने ही वाले थे और सर के पास से वो पत्थर गया, तो उन्हें इस बात का ख्याल आया कि मैं तो मजनू से भी ज्यादा बड़ा आशिक हूं, मेरा क्या होगा, और फिर उन्होंने पत्थर बंद कर दिया। तो ये मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। सर के पास गया कि गालिब को ख्याल आ गया कि अरे ये तो गलत हो जाएगा, उसी तरह मुझे ख्याल आ जाता है कि अरे आशिक तुम हूं मैं। अगर इकबाल कहता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, तो हमें लगता है कि हाँ देशभक्त तो हूं मैं, ठीक है। जब दाग कहता है कि किससे निभती है हमेशा रस्म रा, चार दिन में दाग भर जाता है दिल, तो हमें लगता है कि हाँ दिल तो भर ही जाता है, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारे शायरों को बिना पढ़े आप उन शायरों पर लिख नहीं सकते जी जी जी। तो जाहिर है आपका संबंध, आपकी आत्मीयता, आपके विचार, आपकी बोली, आपकी लेखनी,
ये तमाम चीजें जी, जी। आपके साथ साथ शायरों से तो जुड़ी हुई है, जिंदगी से तो जुड़ी हुई है। देखिए क्या है कि हमने आपको देखते मिनट भर में ये समझ लिया कि आपसे हमारी गहरी दोस्ती हो जाएगी। आपसे दिल हमारा मिल जाएगा, दिल हमारा खुल जाएगा। मगर जो एटिकेट है ना, जो अदब है, इकबाल कहते हैं कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। ये तमीज और तहजीब का जो एक ख्याल करना पड़ता है, वही मामला आता है कि भाई आपको याद करने की तो जरूरत नहीं पड़ रही है जानिसार अख्तर के कलामों को, मजरूह के कलामों को, लेकिन और क्या क्या इन्होंने लिखा है उसको पढ़ जाइए, ढूंढिए उनके गानों को। उस जमाने में सीडी वगैरह भी उतने नहीं थे इनके गानों के, जानिसार अख्तर के, तो कहाँ कहाँ से ढूंढना है। तो ये जो है ना वो एटिकेट की तरह काम करता है, तहजीब और तमीज की तरह काम करता है। बाकी एक ही हियरिंग में ये ख्याल आ जाता है कि इसको फिर से जरूर सुनेंगे और समझ तो गए हम बातों को, ऐसा है। आपका खयाम के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? जी खयाम साहब तो अब रहे नहीं, और अब तो उनकी पत्नी जगजीत कौर भी नहीं रही, लेकिन मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे। शुरुआत तो रिश्तों की एक पत्रकार और एक पर्सनैलिटी ही के नाते हुई थी, मैं पत्रकार हुआ करता था, मगर बहुत जल्द उन्होंने मेरी शायरी के फन को पहचाना, क्योंकि मुझे साहिर के कलाम बेशुमार याद थे और साहिर के साथ उन्होंने खूब काम किया है। और जैसे मैं अति उत्साहित होकर उनके सामने साहिर के कलाम को सुनाता था, तो मुझे भी आश्चर्य इस बात का होता था कि खयाम साहब को साहिर के सारे कलाम याद हैं। ये बाद में पता लगा कि साहिर की जो किताब पहली तलखियां थी, उस किताब को पूरा का पूरा उन्होंने कंपोज करके रखा हुआ था। अच्छा जी, और ये बात साहिर को भी मालूम थी। तो जैसे मैं साहिर के कलाम उनको सुनाता था, वो उसकी धुनें मुझे सुना देते थे, बहुत सारी जो आई नहीं है और बहुत सारी जो दूसरे कंपोजर ने कंपोज की हैं, लेकिन इनकी कंपोजिशन बिल्कुल अलग थी। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बात शामिल करूं कि दाग फिल्म के बाद, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था, यश चोपड़ा की फिल्म, जी राजेश खन्ना राखी, करेक्ट जी, उसके बाद जब कभी कभी की प्लानिंग की यश चोपड़ा ने, तो उसके म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही थे। लेकिन चूंकि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जहां से कभी कभी का टाइटल लिया गया, उसकी इतनी अच्छी कॉम्पोजिशन बहुत पहले से बना के रखी हुई थी खयाम साहब ने कि वो साहिर के मनोमस्तिष्क में बसा रचा था। चलिए इस गीत को सुनते हैं और अपने श्रोताओं को भी सुनाते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे जमीन पे बुलाया है
बहुत अच्छी शामें गुजरती थी खयाम साहब के साथ और मैं उनको अपने कलाम भी सुनाता था। तो एक दिन उन्होंने कहा कि बेटा ये उर्दू वाली नज्म तो मुझे दे दो, इसको मैं कंपोज करूंगा। मैंने कहा ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि बेटा तुम्हें उर्दू लिखनी आती है कि नहीं, बोल तो लेते हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम उर्दू में लिख के ये गाना मुझे दो। अच्छा, थोड़ी बहुत उर्दू सीखी मैंने लिखनी और थोड़ी दोस्तों की सहायता ली और जब मैंने उनको वो लिख के दिया तब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। उसका मतलब ये था कि अभी भी कुछ करेक्शन कर सकते हो क्या जब तुम लिखने के प्रोसेस में जाओगे, जब उसमें ध्यान लगाओगे, क्योंकि अब ये रिकॉर्ड होने वाला है। तो ये एक बड़ी नई बात थी। बिल्कुल, जहां तक किताबों की हम बात कर रहे थे तो हमने ये पाया कि आपने बहुत सारी किताबें पब्लिश की हैं, उसमें बहुत सारे जैसे जानिसार अख्तर जी हैं, जावेद अख्तर जी हैं और भी जो हैं आनंद बख्शी जी हैं उनके ऊपर आपने किताबें लिखी हैं। ये तमाम किताबों को लिखने के लिए जाहिर है उन्हें स्टडी करना होता है, तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो किताबें आपने, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, साहिर लुधियानवी जी के लिए आपने रिविजिटिंग किया है इस किताब के माध्यम से, इनको लिखने का मकसद क्या होता है आपका? इन किताबों के जरिए आप अपनी कौन सी बात कहना चाहते हैं? ये तो जीवनी हुई कि उनके जीवनी में हम कुछ अपनी तरफ से जोड़ते हुए। मैं एक एक करके सारी बातें करता हूँ। जी जरूर जी। पहले हम किस किताब पे बात करें? आप निगाहों के साए, जानिसार अख्तर साहब पर आपने लिखी है, संपादक हैं विजय अकेला जी। ये किताब मेरे सामने है श्रोताओं, और अभी तो फिलहाल मैं एकदम पढ़ नहीं पाऊंगा, अभी मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं विजय अकेला जी को। जी जी। देखिए, शायरों से जो इश्क हुआ तो इश्क ने कहा कि जिम्मेदार बनो, जिम्मेदारी ये उठाओ कि उन चीजों को जरा जमाने के सामने लाओ जिन चीजों पे लोगों की नजर नहीं है। और एक आशिक होने के नाते हमने कहा कि हाँ ये तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जानिसार अख्तर के गीतों में जो सफाई है कलाम में, जो पुख्तगी है, जो अंदाजे बयां है, वो इतना क्लियर है कि इनके फिल्म गीतों को रिविजिट करना ही चाहिए आपको। ऐसे ऐसे मकामों पे आपको जाना ही पड़ेगा जहां पे संगीत की लयबद्धता और जो सिंगर्स हैं उनकी गायकी की वजह से इनको जितना उभरना चाहिए था उतना नहीं उभरे। तो उसके लिए हम कभी कभी ऐसा भी करें कि संगीत को जरा किनारे रख के भी इन लफ्जों को पढ़ें। ये जिद थी जिनकी वजह से एक एक करके हम इतने सारे किताबों को लिखते गए और लिखते क्या गए, अपना जी हल्का करते रहे। क्या बात। जानिसार अख्तर ने शायरी के साथ ऐसी आशनाई की थी कि उन्होंने नए नए मीटर ईजाद किए थे। इन इनकलाबों की घड़ी है, हर नहीं हां से बड़ी है। इस मीटर में पहले कोई गीत ही नहीं लिखा गया, कोई शायरी नहीं हुई। अब शंकर हुसैन का जो इनका गाना है, आप यूं फासलों से गुजरते रहे, दिल से कदमों की आवाज आती रही, आहटों सी अंधेरे चमकते रहे, रात आती रही रात जाती रही। इसको मेरी जिद है कि आप ऐसे भी पढ़ें जब सन्नाटा हो, जब सिर्फ आवाज अनुगूंजित हो। गुनगुनाती रही मेरी तन्हाइयां, दूर बजती रही कितनी शहनाइयां, जिंदगी जिंदगी को बुलाती रही। खतरा खतरा पिघलता रहा आसमां, रूह की वादियों में न जाने कहां, एक नदी दिलरुबा गीत गाती रही। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको सिर्फ ऐसे पढ़ेंगे तो असर कम होगा, और असर कितना होगा, कहीं बढ़ तो नहीं जाएगा असर। चमकते रहे रात आ।
जाएंगे, आपके नर्म शानों पे सो जाएंगे, मुद्दतों रात नींदें चुराती रही। इसके अलावा जानिसार अख्तर की जिंदगी की कहानी भी है इसमें, और जिन लोगों ने जानिसार अख्तर के साथ काम किया, आशा भोसले जी ने, लता मंगेशकर जी ने, जब सलमा सिद्दीकी जो कृष्ण चंद्र जी की पत्नी हैं अब तो नहीं रही, जब वो कहती हैं इस किताब के सिलसिले में कि वो जब मुशायरा पढ़ते थे और अपने जुल्फें झटकते थे वो अंदाज भी देखने लायक होता था, तो आपको इन गीतों को और इन किताबों को पढ़ने की जरूरत महसूस होती है। और हम कैसे भूल जाएं कि आज के जो सबसे प्रसिद्ध और एक मोस्ट टैलेंटेड पर्सन जावेद अख्तर साहब हैं, वो इन्हीं के बेटे हैं। तो जरा जावेद साहब को समझना है तो इनको भी समझना पड़ेगा, बहुत जरूरी। ऐसी कई बातें, ये आपने बहुत सही कहा है कि गीतों को हम सिर्फ उनकी तर्ज पर ना पहचानें, उनके साथ ही ना रहें, उन शब्दों को भी पहचानें, उन भावनाओं को भी पहचानें जो गीतों में कही गई हैं, और उसे गीत के रूप में ना सुनकर उसे पढ़कर भी देखा जाए। इसलिए आप किताबें लिखते हैं। अब देखिए ना मजनू साहब की हमने जो किताब लिखी है रहे ना रहे जी, हम मैं क्या करेंगे, चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे, किसने नहीं सुना है, सभी ने सुना है, सभी ने सुना है, मगर उनसे पूछिए कि क्या आपने अंतरा सुना है या अंतरा गायकी में और मौसिकी में बह गया, क्योंकि ऐसे अगर हम सुनाएंगे ना उस गीत के अंतरे को तो लोग कहेंगे कि ये तुमने क्या सुनाया, उसी गीत में है जिसको हमने हजारों दफा सुना है। क्या क्या फिसले नहीं चल के कभी दुख की डगर पे, ठोकर लगी हंस दे हम बसने वाले दिल के नगर के, हर कदम बहक के संभल जाए रे, ये लयकारी में ये गायकी में गुम हो गया। इसका सेकंड अंतरा देखिए, मजरूह ने क्या दृष्टि दी है लेकिन वो गुम हो गया। किरणें नहीं अपनी तो है बाहों की माला, दीपक नहीं जिनमें उन गलियों में है गम से उजाला, धूल ही से चांद निकल जाए रे, क्या बात, ये गुम हो गया। लयकारी में गायकी में विजुअल्स में गुम हो गया। हमको इन्हें सहेजना है, ये जिद है मेरी। क्या बात है, इस वजह से आप किताब लिखते हैं, एकदम साफ हो गया, और ये बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर बताई है हमें। लेकिन अब हम ऐसा करते हैं कि जानिसार अख्तर जी का कौन सा गीत है, अभी तो एक गीत आपने बता दिया है शंकर हुसैन का, उसके अलावा सुनाने के लिए हमारे श्रोता साथी भी इंतजार कर रहे हैं कि आपकी पसंद का कौन सा गीत होगा जिसे आज आप सुनाएंगे। कोई भी गीत सुनाइए आप, क्यों नहीं आंखों ही आंखों में इशारा हो गया सुनाते हैं, बिल्कुल सुनाते हैं। बैठे जीने का सहारा हो गया, क्या अंदाज है, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में, आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में।
आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। अब हम बात करते हैं आनंद बख्शी जी की, और आपने किताब लिखी कि मैं शायर बदनाम, तो इस किताब को लेकर और इस किताब का जो बिक्री का वो था, या यूं कहिए कि पढ़ने वालों का जो एक नज़रिया था, वो किस तरह का रहा, आपको प्रतिसाद कैसा मिला इस किताब को लेकर? पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं शायर बदनाम मार्केट में आ गई है 22 साल पहले, और ये हमारे आपके सामने जो किताब रखी हुई है ये इसका दूसरा एडिशन है। अच्छा। और ये सबसे बड़ी हिंदुस्तान की जो किताबों की कंपनी है राजकमल पब्लिकेशन, वहां से छपी है। मेरी जिद हमेशा ये होती है कि मैं किसी के गुजरने के बाद उनके बारे में सच झूठ नहीं लिखूं, उनके सामने ही लिख के सीना तान के खड़ा हो जाऊं कि अच्छा ये मैंने बात गलत की थी क्या, ये बात मैंने गलत लिखी आपके बारे में, तो इसकी सजा मुझे दीजिए। मगर जानिसार अख्तर के बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो 79 में गुजर गए थे, 80 में गुजर गए थे। मजरू साहब के रहते मुझे ये किताब लिखनी थी और मैंने जमा भी कर दी थी, बहुत बाद में छपी, और यही हुआ आनंद बख्शी साहब के बारे में। अच्छा। लेकिन आनंद बख्शी साहब भी इस किताब के आने के 6 महीने पहले गुजर गए। ये बहुत अच्छी बिक रही है और इस किताब में भी आनंद बख्शी के शब्द हैं, और जिन्होंने आनंद बख्शी साहब के साथ काम किया है उनके विचार हैं जो इन्हें बहुत खास बनाते हैं। मुझे याद है जावेद अख्तर साहब के हाथों ये किताब रिलीज हुई थी। जावेद साहब की, सलीम जावेद की कई फिल्मों के गीतकार आनंद बख्शी ही रहे हैं, और आप गीतों को, गीतों के भावों को जरा विजुअल से, जैसा कि आपने कहा, मैंने कहा, इसकी गायकी से भी थोड़ा निकाल के देख सकते हैं कि क्या अर्थ हैं, और वो अर्थ बहुत गहरे हैं। अब तो खिजा के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं, गरीब कैसे मोहब्बत करे अमीरों से, बिछड़ गए हैं कई रांझे अपनी हीरों से, किसी को अपने मुकद्दर पे अख्तियार नहीं। ये कुछ कम नहीं है जो रिकॉर्ड हुआ है, उससे ऐसे भी कहीं कहीं तो उससे ज्यादा है। क्या बात, ये बात आपने बिल्कुल सही कही जी। जो फिल्मी गीत हैं वो इस तरह से गुम भी हुए हैं, और बहुत सारे गुम हुए जी, बहुत गीत गुम हुए जी। आनंद बख्शी का कौन सा गीत होगा जो आप अपने और हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे? कोई भी गीत बजाइए जिसका जिक्र मैंने किया, यही क्या कम बड़ा गीत है, खिजा के फूल पे आती कभी बहार नहीं। खिजा के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार, तेरा प्यार
नहीं थे। आह तक कर रहे थे, बताइए कुछ उनसे जुड़ी हुई यादें बताइए, कुछ बातें बताइए और उनका गीत भी बताइएगा हमारे श्रोता साथियों के लिए, क्योंकि वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आपकी पसंद का वो कौन सा गीत होगा जो मजरूह जी का है और जो आप हमारे श्रोताओं को गिफ्ट करना चाहते हैं, भेंट देना चाहते हैं। देखिए मजरूह साहब का दोस्ती का गीत आप बजाइए। समय के बड़े पक्के थे वो। और एक दफा की बात है, जो मेरी आखिरी मुलाकात थी उनसे उनके घर पे रिजवी कॉलेज के बगल में, गलती मेरी थी कि मैं लेट पहुंचा। अपने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के दोस्तों को भी ले जाना चाहता था उनसे मिलवाने और उसमें देरी हो गई और उन्होंने कहा कि तुम आधे घंटे लेट आए हो, ये मेरे वॉक का टाइम है। और उस मुलाकात में जो मैं दोस्ती के गीत का प्रश्न पूछने गया था वो अनआंसर्ड रह गया। प्रश्न क्या था? और वो अब तो जो भी लोग उसका जवाब देते हैं ना वो कयास के तौर पे देते हैं। हाँ। और सवाल ये था, इस जहां के लिए धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूं मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूं मैं तुम्हारी तरह, जिसने सबको रचा अपने ही रूप में, उसकी पहचान हूं मैं तुम्हारी तरह, तो शिव का वरदान क्यों लिखा आपने? हाँ। मजरूह साहब ये पूछने गया था और वो सवाल अनुत्तरित है। तो आप ये गीत बजा सकते हैं? बिल्कुल। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूं मैं तुम्हारी तरह, जिसने सबको रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा। तकदीर हूँ इस अनोखे जगत की, मैं तकदीर हूँ, मैं विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ, एक तस्वीर हूँ इस जहाँ के लिए, धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा। भटकता मैं यहाँ से वहाँ, और परेशान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा।
देखिए किताब लिखने की एक और वजह मैं बताता हूँ। जी जरूर। शागिर्द का गीत किसने नहीं सुना है मजरूह साहब का, बड़े मियां दीवाने। ऐसे ना बोलना जी। उसमें एक टुकड़ा है जो क्या रेंडरिंग में गलती हो गई है, क्या रिकॉर्डिंग में मिस्टेक हो गया है, कि हमें वो समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या बोला गया है। वो किताब में आपको मिलेगा कि यही बोला गया है, क्योंकि इसकी तस्दीक हमने मजरूह साहब से करवाई है। अच्छा। हाँ, जिक्र किया है और उन्होंने कहा कि नहीं ये तो ये है। क्या तो किबला मारो मंतर, डैंडी बनकर निकलो वक्ते शाम। अब ये जो डैंडी है ना, इसका मतलब होता है अल्ट्रा मॉडर्न। अच्छा। अब ये रिकॉर्डिंग में ऐसा लग रहा है कि ट्रेंडी बन के निकलो वक्ते शाम या कुछ और बोला, क्या बोला वो यहां पे आपको मिलेगा कि तो किबला मारो मंतर, डैंडी बनकर निकलो वक्ते शाम, बड़े मियां दीवाने ऐसे ना बनो। अच्छा। हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। फन ये जादूगरी का है शर्मा तुमको परी, तो किबला मारो मंतर, टेढ़ी बनकर निकलो वक्त शाम, बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। तो ये जो क्लैरिटी है, जब आप मजरूह साहब का गीत हमारी किताब में पढ़ेंगे तो एकदम फर्क पता लग जाएगा कि पिछले रात की बात है कि ये कली ख्वाब में आई थी। गायकी में नहीं पता लगता है, लगता है कि रात कली नाम की कोई लड़की। हाँ, नहीं 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 जी जी। गए रात की बात है कि ये कली ख्वाब में आई थी और जो गले का हार बनी। रात कली एक ख्वाब में आई, यही ना जी। तो रात कली, ऐसा लगता रात कली हो जी। वो गए रात की बात है जी, जी, कि कली एक ख्वाब में आई, पिछली रात की बात है। सही है। क्या बात, ये क्या बात जी। आपने जावेद अख्तर जी पर भी एक किताब लिखी है, और जावेद अख्तर जी के बारे में बताइए कुछ और। ये एक दस्तावेज लिखा पड़ी है, ये एक दस्तावेज है। इस किताब के बारे में तो मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, संक्षेप में ये कहूंगा कि जब ये किताब लिख रहा था मैं, तो इसकी खबर जावेद अख्तर साहब को लगने नहीं दी और उनसे इजाजत नहीं मांगी। जबकि आप ऐसा करते नहीं हैं। इसीलिए नहीं मांगी क्योंकि कहीं वो ये ना कह दे कि ये जो आपने बात लिखी है इसका ये अर्थ नहीं था भाई, या आपने ये जो तस्वीरें लगाई हैं ये लगा लीजिए ना। अच्छा। हमें किसी तरह की इंटरफेरेंस मंजूर नहीं था। जब एक दिन किताब छप गई तो मैंने उनको फोन किया कि जावेद साहब आप शहर में हैं क्या, एक किताब मैंने आप पे लिखी है वो आपको देनी चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा लिखनी चाहते हैं, मैंने कहा नहीं वो छप गई है, देनी चाहता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि एक तो जो एक लेखक की जिम्मेदारी होती है कि वो गलत बात क्यों लिखेगा भाई, लेकिन अगर कुछ गलत बात है तो उस पर आईना भी क्यों नहीं दिखाएगा वो, लेकिन अगर आप इजाजत लेके लिखेंगे तब तो आपको इन सारी चीजों से बचना पड़ेगा। बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं जावेद साहब को अब पिछले 28-30 सालों से जानता हूँ। अब तो स्क्रिप्टिंग वो करते नहीं है, मगर इतने टैलेंटेड पर्सनालिटी के जहन में वो शोले वाले डायलॉग्स या उस तरह के डायलॉग्स, दीवार की तरह के डायलॉग्स, शक्ति की तरह के डायलॉग्स, डॉन की तरह के डायलॉग्स तो आते ही होंगे, लेकिन वो फिल्मों में नहीं लिख रहे, तो भाई वो ज्यादा कहाँ है, वो इन महफिलों में निकाले जाते हैं जिन महफिलों में वो घूमते हैं। मैं ऐसी कई महफिलों का हिस्सा बना हूं सुनने के लिए कि वो इन दिनों कैसा सोचते हैं, और मैं हैरत में पड़ जाता हूं कि जिस सूरज को हम देखते हैं, जिस चांद को हम देखते हैं, जिस ऑक्सीजन को हम लेते हैं, हमें ये ख्याल क्यों नहीं आता। तो ये एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंटेशन है, और ये सब मेरी आंखों के सामने की बात है। कोई ऐसी बात इसमें नहीं है कि मैंने फलां से सुनी हो बात। अगर कुछ सुनी है तो उसकी तस्दीक करवाई है कि जावेद साहब ये ऐसा था क्या। क्या बात। लेकिन उनको भनक नहीं लगने देगी ये किताब मैं लिख रहा हूं, और इसके दूसरे तीसरे एडिशन भी अब आ गए हैं। अब ये किताब अंग्रेजी में भी आने वाली है। वाह। तो ये किताब है, और ये पहली किताब है जावेद अख्तर साहब पे, जिसका नाम है जावेद अख्तर और मैं यानी विजय अकेला। ये पहली किताब है जावेद अख्तर पे जिसका प्रीफेस
सलीम खान ने लिखा है जी। और एक मात्र किताब है, तो मुझे बहुत नाज है इस पे। आप पढ़िए, इसके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। क्या बात है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी सारी किताबें आपने लिखी हैं, इतने अच्छे गीत आपने लिखे हैं। फिलहाल हम जावेद अख्तर जी का एक गीत क्यों ना सुना दें अपने श्रोता साथियों को, आपकी पसंद का। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी गीत बजाएं आप। मैं और मेरी तन्हाई जो उनका पहला गीत था वही बजाइए, अक्सर ये बातें करते हैं। जी चलिए सुनते हैं, अमिताभ बच्चन जी की आवाज में है और लता जी ने तो गाया ही है ऐसे असली गीत जो है। चलिए इस गीत को सुनते हैं। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो। किसी राह भी निकलते हो हमें।
ये जो किताबें लिखने का, गीतों को लिखने का ये जो आपका सिलसिला है, ये तो काफी पुराना है, लेकिन इस सिलसिले में अभी जो इस दौर में जब आप लिख रहे हैं, तो आप फिल्मों के लिए लिख रहे हैं या प्राइवेट एल्बम्स के लिए लिख रहे हैं या अपनी किताबों के लिए लिख रहे हैं, आप किस तरह से लिख रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं खुद के लिए लिख रहा हूँ। मेरी शायरी की एक किताब है जो आई हुई है, जिसका नाम है लश्कर। ये सारी किताबें जिनका जिक्र कर रहा हूँ अमेज़न पे आपको मिलेंगी, और दूसरी किताब मेरी राजकमल पब्लिकेशन से किसी भी दिन आ सकती है, जिसका नाम है जिहाद। जिहाद जी, अरे जिहाद शायरी के संदर्भ में हम उसको कहते हैं जो के उर्दू का शायर है, जो अपनी शायरी से समाज पे पड़े धूल को हटा देता है। क्या बात। जैसे कि साहिर ने कहा कि मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, ये एक गर्द को हटाया उसने ताजमहल नज्म में। अगर गालिब कहता है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो ये गर्द हटा रहे हैं। अगर ये गाना चंगेजी कहता है कि सब तेरे सिवा काफिर, आखिर इसका मतलब क्या, सर फिरा दे इंसान का ऐसा खबते मजहब क्या, तो ये गर्द को हटाया जा रहा है, उसको हम जिहादी कहते हैं। क्या बात है। तो ये आपकी जो है अगली किताब है, आने ही वाली है, आने ही वाली। तो शायरी करता हूँ बहुत सारे, इन दिनों तो मामला अलग हो चुका है। इन दिनों आप प्राइवेट एल्बम्स ऑनलाइन ढूंढेंगे तो आपको हमारे कई गीत मिलेंगे। हाल में जो हर्षदीप कौर सिंगर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा गीत गाया है। शमीर टंडन कंपोजर हैं, यही एक दुआ मांगती हूँ मैं रब से, मुझे इश्क हो इस जमाने में सबसे। अभी पिछले दिनों है जो अनुज गर्ग एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और शाहिद माल्या ने बहुत अच्छा गीत गाया है, कैसा है ये बारिशों का मौसम, बूंदे हैं या आसमानी शबनम, या बहुत से लोगों ने गाया है। अभी मोहित चौहान का एक गाना, वो जब तुम कहो फिल्म का है, के बहारें बीतने को हैं बताओ ना कब आओगे, उम्मीदें रीतने को हैं बताओ ना कब आओगे, अभी जो तुम चले आते हवा संदल सी हो जाती, कि दरिया रुख बदल लेता हवा घड़ी मखमल की हो जाती, परिंदे लौटने को हैं बताओ ना कब आओगे। तो ऐसा है। बताओ, अभी आपने बहुत सारे यूं कह सकते हैं कि शेर सुन लिए हैं, और वो सभी शेर जो हैं विजय अकेला जी के हैं। यहाँ पर विजय अकेला जी की एक और किताब है साहिर लुधियानवी जी की, जिसमें इन्होंने रिविजिट किया है, जिसके बारे में हमने बात की है, और ये सेकेंड एडिशन जो है मेरे हाथ में है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये इस किताब का शीर्षक है। और यहाँ पर अंग्रेजी में शीर्षक विजय अकेला जी, ये जो मुखपृष्ठ है इसमें, ये पूरा अंग्रेजी में है। ये हमारे प्रकाशक की जिद होती है कि ये आजकल के युवा जो पाठक हैं वो जल्दी इसको समझते हैं, तो अब क्या करें, रोमन में है। ये जो साहिर की किताब है ना, ये मेरी मजरूह सुल्तानपुरी या जानिसार अख्तर या आनंद बख्शी की किताब से अलग है। अच्छा। ये एक फिल्म स्क्रिप्ट है। अच्छा जी। और ये कई प्रोड्यूसर्स के पास है, वो इसको पढ़ रहे हैं, और मैं भी तलाश रहा हूँ प्रोड्यूसर ये इस पे फिल्म बनाने के लिए, जिसका निर्देशन मैं करना चाहता हूँ। वाह, क्या बात है। तो ये कोई बायोपिक नहीं है साहिर की। इसमें साहिर की शायरी किस तरह हमारे जो आम फहम जिंदगी की परेशानियां हैं, जो विश्व प्रसिद्ध परेशानियां हैं, जिसकी वजह से इंसान लड़ता झगड़ता रहता है, उन सब का निदान है इसमें साहिर की शायरी के जरिए। अच्छा। ये कोई बायोपिक नहीं है, और जिसका नाम है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, जो साहिर की नज्म थी जी। इसमें हमने इसको आगे बढ़ाया है इस नज्म को, और जो मुझे याद आ रहा है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया के जिसका खुदा बिक गया है, किताबों का हर एक सफा बिक गया है, यहाँ मंजिलों का पता बिक गया है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। वाह। तो जब कुछ दिन बीते और लोगों ने कहा कि इसकी कहानी अब थोड़ी आम फहम हो गई है, कहीं चोरी ना हो जाए,
तो क्यों नहीं इसको एक किताब की शक्ल में ले आया जाए। तो इस वजह से ये अब सेकंड एडिशन आपके सामने है। अब देखिए प्रोडक्शन हाउसेज में बातें हो रही हैं तो कब ये फिल्म बनती है। जरूर बनेगी, आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जी। श्रोताओ यहाँ पर ये जो किताब है लश्कर, जिसके लेखक हैं विजय अकेला जी, इन्होंने अपनी रचनाएं जो हैं इसमें छपवाई हैं। मोहब्बत में रोने के दिन आ गए हैं, वाह, मोहब्बत में रोने के दिन आ गए हैं कि मोती पिरोने के दिन आ गए हैं। क्या बात है अकेला जी। एक और है आप ही की इस किताब से, वैसे तो पूरी की पूरी ये गजल है, जो तू आए तो जीने में अजब एक लुत्फ आ जाए, जो तू आए तो जीने में अजब एक लुत्फ आ जाए, लगे के फूल पे तितली ने अपने पंख फैलाए। आहा, क्या बात है, बहुत अच्छा, लगे के फूल पे तितली ने अपने पंख फैलाए जी। वाह, इस तरह से बहुत सारी ये इसमें गजलें हैं, गीत हैं। मैं यहाँ पर आपसे एक बात जानना चाहता था, एक गीतकार जो ट्यून के लिए, फिल्म के लिए, एक विजुअल के लिए गीत लिखता है, और एक विजय अकेला है जी जो लिखते हैं अपने लिए, जैसा कि आपने बताया, और जो आप कुछ देखते हैं उसके लिए, और वो छपवाते हैं आप, और फिर उसे दुनिया पढ़ती है। वो गीत जरूर होता है लेकिन वो सुरबद्ध नहीं होता, किसी गायक की आवाज में नहीं होता, किसी फिल्म पर पिक्चराइज नहीं होता, लेकिन वो पढ़ने के लिए होता है। जी जी, इन दोनों विधाओं में, फिल्मों में गीत लिखने के लिए गीतकार के रूप में, और एक शायर के रूप में, एक गीतकार के रूप में छपने के लिए, इन दोनों के बीच में आप क्या फर्क महसूस करते हैं? देखिए, जब आप खुद के लिए लिखते हैं तो आप पूरी तरह से उसके हीरो होते हैं। आप मीटर में जरूर लिखते हैं, मीटर के दायरे में होते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से उसके हीरो होते हैं। आपका जो मन कहता है वो आप लिखते हैं। अच्छा, गजलों की जो परंपरा है उसमें रदीफों काफिये का ख्याल रखते हुए आप विषयांतर भी हो सकते हैं, उसका फर्क नहीं है। नज्म में आप एक तरह से जाते हैं तो आप उसके हीरो होते हैं, लेकिन जब आप कहो ना प्यार है में गीत लिखते हैं ना, तो आपको ट्यून पे भी लिखना पड़ता है, कहां तक बात पहुंच चुकी है, कोई कौन सी बात आप नहीं कह सकते हैं। मुझे याद है कि दिल ना दिया दिल ना लिया की जगह पे मैंने एक जिंदगी का ऐसा फिलॉसफी लिखा था कि जिसके बारे में वहां बैठे हुए प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि ऐसा मत लिखो, बहुत अच्छा है, बच्चे डर जाएंगे। तो वहां पे ख्याल अच्छा होते हुए भी हमें बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ रहा है कि जिंदगी को आप मौत ना कह दो, जिंदगी में मौत भी शामिल है, जो पैदा हुआ है वो जाएगा भी, लेकिन ये बात बच्चों को मत बताओ अभी, उसके लिए वो प्रिपेयर नहीं है। इसका भी ख्याल रखना पड़ता है, फिल्म की कहानी का ख्याल रखना पड़ता है, ट्यून का ख्याल रखना पड़ता है, ऐसी कई चीजों का। तोहफा क्या लेके जाएं दिल ये बताना हमने लिखा, लेकिन वहां पे लकी की जुबान में तोहफा क्या लेके जाइए अच्छा लग रहा है, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। जावेद अख्तर साहब बहुत अच्छी बात कहते हैं कि ट्यून पे लिखना ऐसा है जैसा कि एक कब्र खोद दी गई हो और उस पे उस नाप का मुर्दा लाया जाए, लेकिन कुछ सालों के बाद हम सभी लोगों को आदत इतनी हो जाती है कि हम लोग वो बहुत अच्छे तरीके से उसमें फिट कर देते हैं। लेकिन जरा सीरियस नोट पे हम बातें करें तो साहिर की ज्यादातर चीजें कंपोज हुई हैं जो पहले किताबों में आई हैं, यानी साहिर उसका हीरो पहले बना हुआ है, थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं। मैं पल दो पल का शायर हूं ये उसने लिख दिया था, बाद में फिल्म के लिए लिख दिया मैं हर एक पल का शायर हूं, दोनों है उसमें। हाँ बिल्कुल, दोनों है। तो दोनों। मैं कह रहा हूं कि ये खुश नसीबी सिर्फ साहिर को प्राप्त हुई। चलिए इस गीत को सुनते हैं और अपने श्रोताओं को भी सुनाते हैं। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए,
कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। इस विधा में मेहनत करते करते हम भी इसके करीब आ जाते हैं कि आप कोई भी ट्यून दीजिए, हम लिख ही देंगे वो बात जो आपके फिल्म का नायक गाना चाह रहा है, जो आपकी फिल्म का सिचुएशन कहना चाह रहा है, जो आपका प्रोड्यूसर आप चाह रहे हैं। तो इन दोनों में आपको प्रिय कौन सा है, वही मैं पूछना चाह रहा था आपसे। देखिए, आप पूरी तरह से जब हीरो होते हैं मजा तो जब ही आता है। ये बात तो है बिल्कुल। आप एक दिन है जो निकलते हैं अपने घर से बिना किसी मंजिल के, कहाँ जा रहे हो भाई? वो पता नहीं, ये सोचा नहीं कहाँ जा रहे हैं, उस दिन का मजा कुछ और है। ये बात तो सही है, कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। आपने जवाब बिल्कुल बराबर दिया है। और वैसे भी आप अभिनेता बनने आए थे जी, जब पटना से आप निकले थे, और अब जब आप स्वयं अपना लिख रहे हैं जी, तो अपने हीरो आप खुद बन रहे हैं। हाँ। ये लश्कर से मैं एक और जो है दो लाइन्स हमारे श्रोताओं को जो है सुनाना चाहूंगा, जो आपकी अपनी लाइन है, एक हीरो की लाइन है ये, जो कहते हैं कि हम तो इस इश्क में अब खुद के हुए जाते हैं। बड़ा अच्छा शेर सुना आपने। जी हाँ, हम तो इस इश्क में अब खुद के हुए जाते हैं, तुझको ये क्यों है गुमा कि तेरे हुए जाते हैं। बताइए। कहने का मतलब यही कि हम तेरे नहीं है, आज भी हम अपने हैं और अपने ही रहेंगे। वाह श्याम जी, क्या बात है, मैं करूं वाह। शुक्रिया, आपने सही समझा। क्या बात है। तो अब आपकी बहुत सारी बातें हैं, यादें हैं, जो निश्चित रूप से एक बार की बात में खत्म नहीं हो सकती हैं। हम जरूर बात करेंगे। विविध भारती के इस मंच पर आप आए हैं, स्टूडियोज में आप आए हैं, अपने श्रोताओं से मिलने के लिए आए हैं, आप एक रेडियो ब्रॉडकास्टर भी हैं, तो लेखक के साथ साथ, गीतकार के साथ साथ, एक अभिनेता के साथ साथ, आपकी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, आपके बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी घर की बातें हैं। वो तमाम बातें जो आपने सोच के रखी हुई है, वो भी वैसे ही पब्लिश हो जाए इस जिंदगी में जी। बस यही मैं चाहूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। बॉम्बे टॉकीज। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लेखक और गीतकार विजय अकेला से ये फिल्मी गपशप। आपसे बातचीत की थी जी श्याम ने। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान, अपना बॉम्बे टॉकीज।